हाई ब्लड शुगर अते इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम शरीर दा सुरक्षा बल है। डायबिटीज तो हाई ब्लड शुगर शरीर दे सुरक्षा बल नू प्रभावित कर सकदा है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग बार बार संक्रमण ते गंभीर लक्षण दे वधेरे खतरे नू अनुभव कर सकदे ने। की तुसी जानना चाहोगे कि तुहाडे इम्यून सिस्टम नू ताकतवर किवें बनाया जा सकदा है? आओ मेरे नाल ते मैं तुहानू मुख नुक्तियां नाल जाणू कराणा। हाई ब्लड शुगर ते इम्यूनिटी मॉड्यूल च तुहाडा स्वागत है। हाई ब्लड शुगर संक्रमित थां ते जाण लई, उत्थे टिके रहण लई ते माइक्रो ऑर्गेनिज्म नू मारन वास्ते वाइट ब्लड सैल्स दी क्षमता नू विगाड़ दिंदा है। इस तरह डायबिटीज वाले मरीज बड़ी आसानी नाल बीमार हो जांदे ने। उन्हां नू पैर दी संक्रमण, खमीर संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक संक्रमण ते सर्जिकल साइट संक्रमण दा खतरा बनिया रहिंदा है। टाइप 2 डायबिटीज वालियां स्त्रियां नू अक्सर यूरिनरी संक्रमण हुंदा रहिंदा है। तुसी अपनी इम्यूनिटी किवें वधा सकदे हो? फल अते सब्जियां दी वधिया खुराक खाण नाल, लगातार कसरत करन ते सेहतमंद वजन मेंटेन करन नाल तुसी अपने इम्यून सिस्टम नू ताकतवर बना सकदे हो। जे तुसी अल्कोहल पींदे हो ता संयम नाल पियो, काफी नींद लो, तनाव घट रखो ते स्मोकिंग छड्ड दियो। बार बार हाथ धोण ते भोजन नू चंगी तरह पकाण नाल भी तुसी संक्रमण तो बच सकदे हो। याद रखो, लंबे समय तो हाई ब्लड शुगर वाले लोकां नू हस्पताल च कोविड नाल मौत दा खतरा ज्यादा हुंदा है। इसलिए कोविड नू रोकण वास्ते मास्क लाओ, हत्थां नू सैनिटाइज करो ते लगातार ब्लड शुगर स्तर चेक करो। जे तुसी रोकथाम वाले स्टेप्स फॉलो करोगे ता फिट ते फाइन रहोगे। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम नू वधाओ ते सेहतमंद जीवन व्यतीत करो। बीट डायबिटीज, विन लाइफ। यूएसवी वाली आम जनता नू जागरूक करन वास्ते कीती गई पहल।